This pic of Salman Khan with a toddler on his stomach has gone viral on the internet. Not only because it is an adorable snap, lekin agar aap gaur se dekhein, to is pic mein a blonde girl is clicking Salman, and the back of her head is visible. Aisa speculate kiya ja raha hai ki this is none other than Salman's rumored Romanian girlfriend, Lulia Vantur. Kareena Kapoor Khan, who is currently working in Bajrangi Bhaijaan with Salman Khan, will be working with director Rajkumar Gupta after this film on a thriller. Gupta ne is baat ki confirmation di hai aur unhone ye bhi kaha hai ki Kareena has loved this film's script. जैसा हमने आपको बताया था कि रणबीर कपूर राजू हिरानी की संजय दत्त बायोपिक में नजर आएंगे एंड ही इज टेकिंग हिज रोल इन द फिल्म वेरी सीरियसली. इस फिल्म के लिए रणबीर कपूर जिम में काफी मेहनत कर रहे हैं टू लुक बीफ्ड अप एंड मस्कुलर लाइक दैट. रणबीर एक स्ट्रिक्ट डाइट प्लान भी फॉलो कर रहे हैं. Esha Gupta will feature in a special video of theme song Beparwa from Akshay Kumar's Baby. Esha आज और कल में इस वीडियो की शूटिंग रैप अप करेंगी. Mohit Suri and wife Udita Goswami have been blessed with a baby girl and both the parents are ecstatic. Mohit aur Udita ne unki beti ka naam Devi rakha hai. We wish the happy family all the luck. फरहान अख्तर को यूं बाथरूम सिंगर की तरह पोज करता हुआ देखकर हैरान मत होइए क्योंकि अपने एक लेटेस्ट फोटो शूट के लिए फरहान बन गए हैं बाथरूम सिंगर. लेकर आ रही है बाबा जी का ठुल्लू. एक्चुअली डॉली की डोली के लिए प्रोड्यूसर अरबाज खान ने कपिल शर्मा के शो के हिट पंचलाइन बाबा जी का ठुल्लू के राइट्स खरीद लिया है जिसका इस्तेमाल डॉली की डोली के लेटेस्ट सॉन्ग में होता दिखेगा. चाहे पुलिस बुला ले आज पट्टी तक नचना जो करना करा ले आज पट्टी तक नचना. सलमान खान और करीना कपूर खान बहुत जल्द कश्मीर के लिए रवाना होने वाले हैं, लेकिन किसी वेकेशन के लिए नहीं बल्कि कबीर खान की फिल्म बजरंगी भाईजान के लिए. आपको बता दें कि इसी फिल्म को टाइमली कंप्लीट करने के लिए सलमान ने टीवी रियलिटी शो बिग बॉस से भी ऑप्ट आउट कर लिया है. श्रीदेवी इज ऑल सेट टू मेक हर कमबैक इन तमिल सिनेमा विद हर फैंटेसी ड्रामा पुली. लगभग दो डिकेड्स के बाद श्रीदेवी किसी तमिल फिल्म में एक्ट करती हुई नजर आएंगी. श्रीदेवी ट्वीट्स, इट गिव्स मी इमेंस हैप्पीनेस टू अनाउंस द टाइटल ऑफ माय न्यू तमिल फिल्म पुली. इट्स बीन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस वर्किंग विद द कास्ट एंड क्रू. रिपोर्टेडली किरण राव ने हबी आमिर खान से उनकी पसंद का एक तोहफा मांगा था, लेकिन शर्त ये रखी गई कि आमिर की फिल्म पीके 300 करोड़ मार्क क्रॉस करने पर ही वो गिफ्ट लेंगी. और अब पीके के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस 300 करोड़ मार्क टच करने के बाद वी आर श्योर किरण के साथ साथ आमिर भी खुशी के साथ किरण को उनका मनचाहा तोहफा गिफ्ट करेंगे. वरुण धवन और श्रद्धा कपूर लास वेगास में फिल्म ABCD2 की शूटिंग कर रहे थे एंड दे इवन ब्रॉट इन द न्यू ईयर्स देयर. हाल ही में इन दोनों को मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया व्हाइल दे वर रिटर्निंग फ्रॉम द US एंड द यंग एक्टर्स वर एट देयर फैशनेबल बेस्ट. श्रद्धा'स जॉय एट बीइंग बैक एट होम वाज एविडेंट इन दिस ट्वीट ऑफ हर्स. It's that time of the year जब फोटोग्राफर डब्बू रत्नानी उनकी स्टार स्टडेड कैलेंडर को अनवील करते हैं. इस साल रणवीर सिंह, जैकलिन फर्नांडिस और श्रद्धा कपूर इस कैलेंडर में अपना डेब्यू करने वाले हैं. We look forward to the stunning pictures of these stylish actors. खबरों की माने तो करण जौहर और कॉमेडियन कपिल शर्मा बहुत जल्द एक साथ आने वाले हैं टू होस्ट द 60th एडिशन ऑफ अ प्रेस्टिजियस अवार्ड शो दिस ईयर. इस शो के एक स्पेशल सेगमेंट को होस्ट करती दिखेंगी आलिया भट्ट भी, हु विल बी मेकिंग हर डेब्यू एज अ होस्ट विद दिस इवेंट. Shahid Kapoor, whose film Heather has been receiving accolades from all fronts, gave this candid response at an interview jab unse industry mein competition aur unki insecurities ke bare mein pucha gaya. I think I've grown up. I'm not insecure because I've seen enough failure to lose insecurity. I've reached that point as an actor where I just want to express myself and find my connect with the audience. ऐसा कहा जा रहा है कि अक्षय कुमार की सुपरहिट फिल्म खिलाड़ी का सीक्वल इज बीइंग प्लान्ड एंड अपेरेंटली अक्की वोंट बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म. इस फिल्म में मेन रोल निभाने के लिए विद्युत जामवाल को कंसिडर किया जा रहा है. दिस विल बी इंटरेस्टिंग टू वॉच.
अभिषेक बच्चन ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया मुंबई के कॉलेज का नया स्पोर्ट कोर्ट। लेकिन जूनियर बी यहाँ नजर आए थोड़े नॉस्टैल्जिक भी, क्यों सुनिए खुद उन्हीं की जुबानी। जो प्लेग्राउंड आप देख रहे हैं मेरे पीछे, उसमें बहुत खेलते थे हम लोग, सुबह आके बास्केटबॉल खेलते थे, ब्रेक में आके यहाँ खेलते थे, तो यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है। अब्राम की एक क्यूट पिक्स है मुंबई एयरपोर्ट की, जहाँ नन्हे अब्राम के साथ मम्मी गौरी और पूरी खान फैमिली एक साथ स्पॉट की गयी। दरअसल SRK ने अपनी फैमिली के साथ न्यू ईयर दुबई में सेलिब्रेट किया था और अब वो वापस इंडिया आ गए हैं। वेल डन फरहा, वेल डन। सलमान खान ने ट्वीट करके की है फरहा खान की तारीफ। दरअसल बजरंगी भाईजान की शूटिंग में बिजी होने की वजह से बिग बॉस सीजन 8 से ब्रेक ले चुके सलमान ने इस रियलिटी शो की नई होस्ट फरहा की खुलकर तारीफ की है। बहुत आसान है कहना कि एक इलेक्ट्रिक गाड़ी से, एक नॉन पोल्यूटिंग व्हीकल से क्या होगा, पर मैं मानती हूँ कि बूंद बूंद से सागर बनता है। पोल्यूशन कंट्रोल जैसे मुद्दे पर ज्ञान देती गुलपनाक को हमने स्पॉट किया एक कार शोरूम में, जहाँ उनके हस्बैंड ने उन्हें बर्थडे गिफ्ट में दी थी ये चमचमाती नई नवेली इलेक्ट्रिक कार। मेरी नए साल की ये रेजोल्यूशन है कि मैं एटलीस्ट 20-25 किलोमीटर के रेडियस में इलेक्ट्रिक गाड़ी ही इस्तेमाल करूँ। Shahid Kapoor and Alia Bhatt had already been finalized for Udda Punjab. Aur director Abhishek Chaubhe is film mein Kareena Kapoor ko bhi cast karna chahte the. Kareena ne finally is film ke liye apni haami bhar di hai and she'll be seen sharing screen space with ex-boyfriend Shahid after many years. We're back. Hi, I'm Shahrukh Khan. This is Hrithik Roshan. Hi, this is Akshay Kumar. Hi, this is Sonakshi Sinha. This is Vidya Balan. This is Priyanka Chopra. This is Ranveer Singh. This is Siddharth Malhotra. Hi, I'm Alia Bhatt. This is Varun Dhawan. This is Shraddha Kapoor. This is Anushka Sharma. Hi, this is Pariniti Chopra. This is John Abraham. I'm Arjun Rampal. This is Bipasha Basu. This is Farhan Akhtar. This is Jacqueline Fernandez. Fun to be part of it again. It's great to have such a long-lasting relationship. The only way we get to understand that the year has come to an end is when... Dabu's calendar shots have to be done. Thank you, Dabu. Thank you for thinking of me and having me in your calendar yet again. I have had the honor and the privilege for shooting for the first time with the Dabu Radnani. Thank you so much, Dabu, and more important than that, thank you for being there for me. I was over the moon when I received, the call to be on the calendar. Well, shooting for Dabu Ratnani's calendar is definitely every year a must for me. Dabu Ratnani's annual calendar, it's a ritual. It's always fun shooting with Dabu. It's amazing, you know, I've seen his growth as a photographer and, you know, his family grow also. And it's lovely. It's really, really amazing every time we come and shoot this calendar. It's like an annual thing for me now. By the end of the year, I'm waiting for that phone call, you know, from Dabu or Manisha asking me, so when can you shoot? Because it's almost like a good luck charm. This is probably the most cracked shoot that we've done. A lot of fun, quick, happy. My 14th calendar shot with Dabu. It's been 14 years now. Wow. And, well, I'm still looking good because he still makes me look good. I always enjoy working with Dabu because Dabu has a very peculiar way of working. The most important thing, especially for me also, that he's very fast. He's effective and fast, and that's what I love about him. I think shooting for Dabu is like is the easiest thing to do. He's somebody who just lets you be in front of the camera. I guess the best way to realize if you come to the end of the year is when you come, if Dabu starts calling you and says, okay, it's time for that calendar shot. And then you realize how much, how fast time's gone by. Yet another photo shoot with Dabu for his calendar. And as always, very innovative, very unique, very different. I think any actor's year is not complete till we are on this calendar. So thank you very much for making me feel very special. 16 years, Dubs. Well done. Congratulations. And yeah, I've had the honor of being in it 14 times. So that's pretty cool. It's something we're all very proud of. And we all look forward to it. I have told Dabu this, that he's the first man to get me in bed for a shoot. As usual, December time arrives. So what comes in December time? Three things. Christmas, New Year, and Dabu's calendar shoot. My shot is... My shot is
extremely embarrassing for me. Unpredictable. It's very hardcore. It's very grunge. Very mardon wala shot. My shot is female power. Very, very hot. Hot? Hot. It's going to be wet. It's going to be quirky. It is black. It is white. It is intense. It is love. It's raw. It's hard. The most high-flying, crazy-ass shot you've ever seen in your life. Very, very tiring. Quirky, crazy. Sleepy? Beautiful sleepy? Sleeping beauty. My shot is naughty, but nice, and very flirty. It's Dabu Ratnani and John Abraham. As a combination, at their best. There are a lot of cuts that I have got because of Dabu Ratnani. I will be filing a police complaint, Dabu. And yes, I will see you in jail. Very aggressive, a lot of brick and dirty and muddy again. My shot is sexy. No. It's super sexy. Timeless. Oh, I can't remember that either. A little bit psychotic. OMG. Crazy, crazy, crazy shot. Sexy. This time, my shot, like last time, also will be the best shot. My shot's all caged up. It's behind spokes, and I ain't the spoke in the wheel. My shot was impossible without Dabu telling me how to do it. My shot is gonna make news. It's super hot and sexy, so look out for my shot in Dabu Ratnani's 2015 calendar. Hope you guys enjoy the calendar. Watch out for my shot in Dabu's 2015 calendar. Watch out for my crazy, sexy, sex on a toast shot on Dabu Ratnani much awaited calendar. Watch out for my shot in Dabu Ratnani's 2015 calendar. Watch out for my shot. Shot by Dabu Ratnani, so watch out for it. You've got to watch out if you're getting into 2015 for my shot in Dabu's calendar. Please do watch out for my shot in Dabu Ratnani's calendar 2015. Watch out for Amitabh Bachchan's calendar. Dabu Ratnani 2015 calendar, all the very best. Thank you for being here. Peace out. Yeah, my first Dabu Ratnani calendar. Dabu, love you. I love you, Dabu. Mwah!